राजीव बंसल हासी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ मैं आपको, आपसे इसलिए कि आपने देखा होगा कि यहाँ नारे लग रहे हैं। नारे कौन लगा रहा है? जिनको ये बैंक अधिकारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, ये अपनी मांग को लेकर आज इन्होंने 2 दिन की स्ट्राइक ऑब्जर्व की है। आइए इनसे जानते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश देश के अंदर सभी बैंक्स, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, आज स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं। उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की हुई है, सभी बैंक्स बंद हैं। इनकी क्या डिमांड्स हैं और क्या क्या इनके ग्रीवेंसेज हैं सरकार के साथ या इनके अपने उच्च अधिकारियों के साथ, जानते हैं इनके कॉमरेड भूपेंद्र के साथ आपसे बात करते हैं। कॉमरेड जी, आप बताइएगा, आप बैंक अधिकारी हैं, आज आपने 2 दिन के लिए स्ट्राइक ऑब्जर्व की हुई है, आपकी पहले एसोसिएशन का नाम बताइएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपके क्या क्या मांग है। हमारी जो एसोसिएशन का नाम है AIBA, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो पूरे इंडिया में एक फ्लैगशिप के अंडर हम काम कर रहे हैं, उसके अंडर 2-4 और सेपरेट यूनियंस है, लेकिन उनका जो फ्लैगशिप है वो AIBA के अंडरशिप ही है। डिमांड्स मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, ये कोई एजिटेशन आज से नहीं चल रहा, लगभग 2 साल हो गए। बिल्कुल 2 दिन की स्ट्राइक हमारी ये है और ये एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है जिसमें हमने 2 दिन की, उसके बाद हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक होने जा रही है, जो कि हमने अप्रैल में कॉल किया। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम ये अनिश्चितकाल स्ट्राइक को हमने करने का प्रोग्राम बनाया है। स्ट्राइक में जो डिमांड मुख्य हमारी आज की है, उसमें हमारा पे रिविज़न, जो हमारा सेटलमेंट सरकार से हर 5 साल में जो किया जाता है, मर्जर ऑफ द बैंक्स, जो मर्जर बैंकों का किया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि बैंक घाटे में है, बैंकों का कंसोलिडेशन किया जा रहा है, कंसोलिडेशन वो किया जा रहा है, जो उसमें कुछ डिमांड्स हमारी हैं, जिसमें हमारे अधिकार, हमारा फ्यूचर, हमारे पेंशन स्कीम्स, उनकी कुछ हमारी मांगे हैं जो हम सरकार से नेगोशिएट कर रहे हैं टेबल पर बैठकर। कल उसी के रिगार्डिंग हमारी मीटिंग हुई सरकार से, जिसमें कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं निकल के आया, जिसके बाद हमने स्ट्राइक को कंटिन्यू किया। और डिमांड वही मुख्य है, हमारा पे रिविज़न, 5 दिन का हमारा बैंक का, वीक में 5 डेज बैंकिंग का जो हमारा डिमांड है, कुछ हमारी लीव्स, कुछ हमारे सेटलमेंट, हमारे जो हमारे मूलभूत सुविधाएं जो हमें बैंक की तरफ से मिलनी चाहिए, उनको 5 साल के बाद जो रिवाइज किया जाता है, वो हमारी मुख्य मांगे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पे स्केल है, पे रिविजन है, जी सर, सरकार जी टेबल टू टेबल करती है जी, बार्गेन करती है जी, आपसे, तो वो आपके फंड रेजिंग जो होता है जी, जी, जो आपकी सैलरी के लिए जो सरकार के पास फंड आता है या बैंकिंग मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव में है जी, वो कहाँ से रेज होता है? वो जो टोटल RBI जो ऑल बैंक्स का प्रॉफिट डिक्लेयर करती है हर साल का, उसको एक्युमुलेट करके 5 साल के बाद, उसमें से कुछ परसेंट जो हम नेगोशिएट करते हैं, जिसमें यूनियन और सरकार की तरफ से यस किया जाता है, वो एक प्रोपोर्शनेट हमें हिस्सा दे दिया जाता है, जिसमें से हमारे पे रिविज़न, हमारे मेडिकल अलाउंसेस, हमारी LFCs, वो सारी उस विद इन उस फंड के बीच के अंदर दायरे में रह के हमें बढ़ानी पड़ती है। तो वो फंड प्रॉपर आपके सर्विस में नहीं बन पाता? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। वो चीज़ें बैंक के बिजनेस, बैंक के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। तो वो फला क्या रहता है कि क्या रिकवरी नहीं हो पाती प्रॉपर? रिकवरी का उसमें कुछ लॉज सरकार के द्वारा इतने लिंगर ऑन कर दिए गए, इतने डाइल्यूट कर दिए गए हैं कि रिकवरी करना नामुमकिन हो गया। बैंक के हिसाब से जो कस्टमर की अप्रोच बैंक को रहती है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। अधिकारियों के ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है रिकवरी का, जबकि कोई उनकी लाइफ सिक्योरिटी नहीं। आप रोज इंसिडेंट देख रहे हो बैंकों के अंदर, गोलियां चल रही हैं, ATM लूटे जा रहे हैं, कोई लॉन ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी की लाइफ को सिक्योरिटी नहीं है। उन्हीं डिमांड्स को लेकर ये एजिटेशन, ये हमारी डिमांड 5 साल आज के बाद जो रहती है। 2 दिन के स्ट्राइक जी, बिल्कुल ऑल इंडिया स्ट्राइक, बिल्कुल जी। कौन कौन से बैंक बंद हैं? ऑल इंडिया के जितने भी बैंक है, सरकारी बैंक इंक्लूडिंग SBI, जो कि हमारी यूनियन से अलग रहते हैं, लेकिन उनकी फ्लैगशिप AIBA की अंडरशिप है, लेकिन आज की इस 2 दिन की स्ट्राइक में वो भी शामिल है। मैं जानना चाहूंगा, आप बच्चे लेके आए हैं, आपका नाम क्या है? चंचल नरोला। कौन से बैंक में काम करती है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो आज क्यों यहाँ खड़ी है, यानी कि सर्दी के अंदर छोटे बच्चे को क्या पूरा? अपनी जेन्युइन डिमांड्स को जेन्युइन एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी हैं? नहीं सर, तो क्या जेन्युइन मांग है आप? सर, हम 5 डे बैंकिंग, एक अच्छा पे रिविजन, बस यही छोटी छोटी डिमांड्स है हमारी। गुड़िया को गुड़िया है सर, घर पे अब कोई नहीं है, गुड़िया है सर। अच्छा, तो इसको साथ लाना पड़ा। तो ये अपने साथियों को यानी समर्थन दे रही हैं आप? बिल्कुल दे रही हूँ सर, हम एक हैं। आपका क्या नाम है? प्रीतिका। प्रीतिका कौन से बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
आप भी स्ट्राइक में हैं जी, बैंक ही बंद है तो स्ट्राइक में होगी नहीं, मतलब कि सर नहीं, जो नहीं जाना चाहता वो नहीं भी, बाकी हम सारे स्ट्राइक में हैं। कुछ आपके कर्मचारी हैं क्या वहाँ बैंक में? आज बैंक खुले नहीं, आज सब सर ऑल इंडिया स्ट्राइक पे। अगर मुझे कुछ विड्रा करवाना है तो कैसे करवाऊं सर? आज कुछ नहीं हो पाएगा अगर स्ट्राइक पे ना, सरकार स्ट्राइक होने डिसीजन लिया गया। एक मैं और छोटी सी मैं डिमांड आपके माध्यम से रखना चाहूँगा, जैसे हमारे एक कॉमरेड साथी, शुभ नाम आपका? राकेश वर्मा हूँ सर मैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं, ठीक है। हमें जैसे हमारे यहाँ पे अगर मान लो उसके रहने की भी दिक्कत हुई, ठीक है, हमारी इतनी अगर मान लो सैलरी नहीं है कि हमारा जो अकोमोडेट, जो हमारा अगर उसका अकोमोडेट है उसका पूरा हो पाए, ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयर सर। जी घंटे हम अगर हमारे इसमें काम करते हैं सर, की आपको किससे बढ़ती होगी सर? अबो 40,000 यस सर, यस। प्राइमरी के माध्यम से मैं ये भी सरकार को आगाह करना चाहता हूँ और मैं ये डिमांड रखना चाहता हूँ कि कम से कम सैलरी के साथ साथ ऐसे बच्चों का भी ध्यान रखा जाए जो 1000 किलोमीटर की उनकी पोस्टिंग दी गई है, और जितना उनका सैलरी का जो उनका अकोमोडेशन जो उनको मिल रहा है उसमें उनको मैनेज करना बहुत भारी हो रहा है वहाँ पर। तो मेरी सरकार से ये भी दरख्वास्त है कि सभी महकमों की जिम्मेवारियों को देखते हुए, उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखते हुए इन पे रिविजन्स को सेटल किया जाए, ना कि सरकार अपने मन से सोच के बिना ग्राउंड रियलिटी को जाने, लोगों से बातचीत करे बिना अपने लेवल पर वो चीज़ें सेटल डाउन करे। कम से कम ये हमारी एजुकेशन, आज हम यंग यूथ आपके सामने खड़े हैं, शायद ही आपको कोई ऐसा लगता हो, 40-35 बिलो सारे खड़े हैं यहाँ पे, सबकी डिमांड, सबकी फैमिलीज हैं, ठीक है, हम लोकल हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं लोकल हूँ तो मेरे कन्वीनियंस है मेरे को, लेकिन साथ साथ हमें इनकी भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इनकी भी आवाज़ बिल्कुल यहाँ पे आंसी की आबादी में पहुँचे हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी मीडिया माध्यम से रिक्वेस्ट है। लास्ट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जी, कि दो दिन की स्ट्राइक आपने ऑर्डर राइट सर, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल है, ये तो दो दिन की है ही है सर, लेकिन जो इससे नेक्स्ट हमने मन मंथ के बाद जो स्टेप रखा है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इनडेफिनेट सरकार सर स्ट्राइक के ऊपर हम जा रहे हैं और 100% इसी की तरह सक्सेसफुल होने जा रही है। सरकार का वहम इस बार अब ये हमारी यूनियन दूर कर देगी। अगर सरकार को किसी मुखालतब है कि ये स्ट्राइक कामयाब नहीं होगी तो ये दो दिन का हम ट्रेलर दिखा रहे हैं और इसके बाद हम महीने बाद आपको पूरी फिल्म दिखा देंगे। ये थे बैंक कर्मचारी, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। ये नेशनलाइज बैंक के कर्मचारी हैं और सरकार से कुपित है क्योंकि सरकार इनकी नहीं सुन रही है, 5 साल के बाद इनका पे रिविजन होता है और कहते हैं कि सरकार के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है तो उन पर काम नहीं होता और रिकवरी नहीं होती, इनका सैलरी यानी कि फंड नहीं रेज होता, सरकार बार्गेन करती है वहीं झुंझुना इनको पकड़ा देती है। लेकिन इस बार ये आर पार की लड़ाई तो मूड में है, दो दिन से लगातार बैंक बंद रहेंगे जैसे कि इनका कहना है, उसके बाद एक महीने के बाद कोई स्टेप लिया जाएगा, सीरियस स्टेप लिया जाएगा और अपने डिमांड के लिए बराबर लड़ रही हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँची हैं अपनी मांग को लेकर, अपने पेट को लेकर, यानी कि अपने पेट की भूख यानी कि शांत करने के लेकर, कि एक हिमाचल से आया है जो 23,000 रुपये में काम करता है, यहाँ पेंशन पॉइंट भी है और ये कहते हैं कि हमारा 23,000 में यहाँ यानी कि गुजारा नहीं होता। अभी मेरे ख्याल बैचलर होंगे टुडे, यानी कि शादी हो गई तो फिर तो सर हमें अगर मैंने भी बैंक की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर हम वहीं संभालेंगे अपने हिमाचल में। यानी कि मिजरेबल पोजीशन देखिएगा, एक क्लरिकल को 23,000 रुपया मिलता है हिमाचल से आकर यहाँ अपना रेंट पे मकान देता है, वो है इनकी वाजिब मांग है, हम भी इनकी बात को आगे तक पहुँचाने का यानी प्रयास करेंगे। लेकिन मैं मेरे साथी जितने भी बैंकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हाजिर के आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसे ही हाजिर के आवाज़ के बेल बटन दबाएँगे तो आपकी आवाज़ रेज होगी और यानी कि आपके उच्च अधिकारियों तक जाएगी, सरकार तक जाएगी। फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि बने रहिएगा हाजिर के आवाज़ चैनल को, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक ऐसी ही यानी कि कोई भी अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है तो हमसे संपर्क साधिएगा, हमारा दायित्व। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम। जय हिंद।